नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बीएसईबी की एक खबर को लेकर। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा ही सवाल उठते रहे, चाहे वह प्रारंभिक शिक्षा हो या फिर हायर एजुकेशन का हो। दोनों ही पाठ्यक्रम में बिहार को बहुत नाम नहीं रहा। अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो बिहार में देश के प्रारंभिक विद्यालयों पर सवाल उठते रहे। इसके बाद अगर हम हाई स्कूल की शिक्षा को देख लें तो जिस तरह से प्रदेश में बोर्ड परीक्षा में छात्रों के कारनामे सामने आते रहे, वह प्रदेश में एक नकारात्मक छवि को दिखाता है। ऐसे में बिहार सरकार अब चाहती है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, ताकि प्रदेश के छात्र जब देश के किसी भी कोने में जाएँ तो वे अपनी प्रतिभा की बदौलत अपने साथ ही प्रदेश का भी नाम रोशन करें। पिछले कुछ सालों में प्रदेश में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में काफ़ी सुधार देखने को मिला। परीक्षा देने और रिजल्ट देने के मामले में प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। कोरोना काल के दौरान भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बेहतर काम किया और छात्रों के भविष्य को देखते हुए बेहतर कार्य किया, लेकिन इसी तरह की परिपाटी उच्च शिक्षा में नहीं देखने को मिलती, जिसको लेकर आए दिन छात्रों के द्वारा आंदोलन देखने को मिलता है। स्थिति यह है कि प्रदेश के कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 साल की जगह पे 5 साल में पूरी होती है। ऐसे में छात्रों के जीवन पर इसका असर देखने को मिलता है। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक और इंटर परीक्षा को और भी एडवांस करना चाह रही है, जिससे कि छात्रों को और भी सुविधा मिल सके और परीक्षा के दौरान पारदर्शिता बरती जा सके। तकनीक को और भी एडवांस करने को लेकर बोर्ड ने सभी DEO विद्यालय शिक्षक और विद्यार्थियों से सुझाव मांगा है, जिसमें कि बोर्ड ने समय का निर्धारण करते हुए 10 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक का समय दिया है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि छात्र से लेकर अधिकारी व्हाट्सएप, ईमेल, वेबसाइट द्वारा उपलब्ध लिंक के आधार पर सुझाव देंगे। साथ ही साथ विभाग ने यह भी कहा है कि जिनका सुझाव बेहतर होगा उसमें 20 लोग बोर्ड की तरफ से पुरस्कृत किए जाएंगे। बता दें कि इसको लेकर बोर्ड ने सभी को जानकारी दे दिया है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि बोर्ड आने वाले दिनों में और भी मजबूत होगा। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर परीक्षा की व्यवस्थाओं में साल 2016 में एक बड़ा बदलाव किया था, जिसमें कई तरह के नए प्रयोग किया गया था। इसी नए तकनीक का प्रयोग रहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी बोर्ड ने तय समय पर रिजल्ट का प्रकाशन किया। बोर्ड की तरफ से यह भी कहा गया है कि DEO, स्कूल प्राचार्य व शिक्षक अगर सुझाव देना चाहते हैं तो इसके लिए बोर्ड ने एक नंबर जारी किया, वो नंबर है 8102926635। साथ ही छात्रों की तरफ से भी आने वाले सुझाव को लेकर एक दूसरा नंबर जारी किया गया, जिसमें वो नंबर है 8102926664। इसके साथ ही विभाग ने ईमेल आईडी भी जारी किया, जिसमें लिखा है, वो ईमेल आईडी है bsebsuggestion@gmail.com। साथ ही साथ विभाग की वेबसाइट भी है, biharboardonline.bihar.gov.in के लिंक पर जाकर जो है आप पूरा वो साझा कर सकते हैं। ऐसे में अधिकारी से लेकर शिक्षक यहां भी बोर्ड को सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ बोर्ड ने सुझाव देने वालों को कहा है कि अपनी पहचान के साथ मोबाइल नंबर के साथ फ़ोटो को भी डालने को कहा गया है। आइए अब जान लेते हैं पुरस्कृत राशि के बारे में। प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपये, जिसमें के साथ साथ उन्हें जो है प्रशस्ति पत्र मिलेगा। जो इस पूरे सुझाव में जो दूसरा पोजीशन जिनको आएगा उसमें जो है विभाग ने कहा है कि उन्हें 75,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। जिनका तीसरा स्थान आएगा उन्हें जो है 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र मिलने वाला है। और आखिरी में सांत्वना पुरस्कार, जिसमें कहा गया 15,000 की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। चतुर्थ में जो है दसवां स्थान जो लाएंगे उनको जो है एक प्रशस्ति पत्र जो है दिया जाएगा। ऐसे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यह चाह रहा है कि वह एक ऐसी तकनीक विकसित कर सके जिससे कि छात्रों को ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।